रांची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जबकि रेंजर्स का गश्त भी जारी है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और रेंजर्स का गश्त भी जारी है। गुज़िश्ता रोज जो सिचुएशन हो गई थी उसके बाद के ये मनाजिर। अहम खबर इस वक्त ये आ रही है कि कराची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जबकि रेंजर्स का गश्त भी जारी है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और रेंजर्स का गश्त भी जारी है। मनाजिर गुज़िश्ता रोज जो सिचुएशन हो गई थी उसके बाद के ये मनाजिर। अहम खबर इस वक्त ये आ रही है कि कराची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तैल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है।